अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू एरेनर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज सेकंड डे है। तो हम साईं आज अजीम शाह की मज़ार पे आए हुए हैं और तकरीबन जो है हम यहाँ पे हाज़िरी भरते रहते हैं। बड़े दिनों में जो है ना अक्सर जो है हम साईं अजीम शाह की मज़ार पे आते रहते हैं और कोशिश होती है कि साईं की मज़ार पे हम हाज़िरी भरें, क्योंकि दुख दर्द की दवा भी है और हर चीज़ जो है हमारा यही है साईं। और इसके पास ही हम साईं के पास आते हैं और गपशप भी करते हैं, अपनी गम का इजहार भी करते हैं। साईं हमारी सुनता भी है, बाकायदा साईं की के साथ गुफ्तगु भी हुई होती रहती है। इंशाल्लाह फिर आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। व्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ साईं से, फिर इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। जो जो भी होगी व्लॉगिंग में वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों सामने अपने साईं अजीम शाह की मज़ार पर हम होते हुए सामने उसी फैकल्टी के वहाँ पर DVM पे जो है ना हमारे पास ऑस्ट्रिच भी है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आते होंगे। ये आपको सामने जो है ना बच्चे नज़र आते होंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस DVM में ही यहाँ पे साईं अजीम शाह की मज़ार है, चार दीवारी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे हैं छोटे बच्चे हैं। और आगे चलते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन जो है 3, 4, 5, 6 जो है 6-7 है वो भी यहाँ पे खूबसूरत है, वो भी यहाँ पे है। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ा आगे जाके उसकी आपको, अगर मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊं कि सामने जो है ऑस्ट्रिच आपको नज़र आ रहे होंगे और बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर दरख्त भी जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है यहाँ पे। तस्वीर इतने भी रखा है बड़ा में,